सैफ पार्किंग से अपनी कार हटा ले यार, मुझे लगवानी है अपनी कार। क्यों यार, क्या हो गया? यार तो अब बहुत आगे जाना पड़ेगा मुझे उसके लिए, तो तू अपनी कार लेके आगे चला जाना, मैं यही लगवा दूंगी प्लीज। अरे तू कहीं और लगा ले यार। यार सैफ मुझे बहुत आगे जाना पड़ेगा, मैं लड़की हूँ यार, मुझे इतनी आगे नहीं जाना है, तू मान ले मेरी बात, तू इतना नहीं कर सकता। तो क्या हो गया यार, मैं आधे घंटे पहले आता हूँ, इसलिए आधे घंटे पहले आया यार। सैफ थोड़ा आगे ही तो जाना है बस, मुझे फालतू में आगे जाना पड़ेगा यार प्लीज, थोड़ी सी यार गाड़ी आगे ही तो लगानी है, थोड़ी देर के लिए लगा लेना बस। तो इसको मतलब क्या यार, मैं जल्दी आता हूँ। गाइस क्या हुआ मैम, मैं सैफ को कह रही हूँ गाड़ी थोड़ी आगे लगा ले, मैं लड़की हूँ मुझे आगे जाना पड़ेगा, इसको समझ ही नहीं आ रही है बात। पर एक बात बताओ, वो जल्दी आता है प्रतिष्ठा, तो वो पहले आया, उसने लगा ली कार, तुमको आगे जाने में क्या दिक्कत है? मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? यही बात आज के फेसबुक लाइव सेशन में हम यही बात करने वाले हैं। नमस्कार, वन वर्ड न्यूज के फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि प्रतिष्ठा ने अभी कहा कि मैं लड़की हूँ तो मैं आगे जाके कार क्यों लगाऊं, तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों हम फेमिनिज्म को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। और दिल्ली में आए दिन क्या होता रहता है, कभी किसी बात को लेके ड्रामा, कभी किसी बात को लेके ड्रामा। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, नेहा उसके बारे में आपको ज्यादा बताएगी कि क्या हुआ है एक्चुअल में, और ये क्या हम बार बार नारा लगाते रहते हैं कि लड़की हूँ तो ये चाहिए, लड़की हूँ तो इस चीज से एग्जेम्पशन चाहिए, लड़की हूँ तो उस चीज से एग्जेम्पशन चाहिए। जैसे कि अभी कश्मीरी गेट पे ही एक केस आया जहाँ पे एक लड़की जो है वो स्कूटी चलाते हुए सामने से आ रही थी, और उस लड़की ने जो है एक तो वो ईयरफोन पे बात करते हुए आ रही थी, फिर दूसरा उसकी स्कूटी का नंबर प्लेट टूटा हुआ था, उसने हेलमेट लगा रखा था लेकिन नॉट नहीं बांध रखा था, जिस पर उसे ट्रैफिक पुलिस ने जो है रोका और उसका चालान काट दिया। हालांकि फिर उस लड़की ने जो है ट्रैफिक पुलिस वाले पे ही चिल्लाने लग गई कि आप क्यों काट रहे हो, मुझे डर लग रहा है, मेरे हाथ कब कब आ रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो नेहा वो वीडियो हर जगह अवेलेबल है, और लड़की ने बहुत ज्यादा ड्रामा किया कश्मीरी गेट पे, काफी देर तक लोग वहाँ खड़े रहे, ट्रैफिक पुलिस वालों ने उसको कन्विंस करने की काफी कोशिश करी लेकिन वो नहीं मानी, ऊपर से उसने सुसाइड तक करने की धमकी दे दी और कहा हेलमेट फेंक दिया रास्ते में। तो आखिर दिल्ली दिल वालों की है या ड्रामेबाजों की, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है यहाँ पर। और जब हम ट्रैफिक रूल्स की बात करते हैं, हाल ही में नेहा तुमने देखा होगा जब ट्रैफिक रूल्स बदले गए, जब चालान काटे गए, जब वो स्कूटी भाई साहब स्कूटी का जिनका चालान कटा था, जिन्होंने कहा कि आप स्कूटी रख लीजिए मेरी, तो इस बात को लेकर इतना बवाल मचा सोशल मीडिया पर, जितने की तो उसकी स्कूटी नहीं, खैर उतने का उसका चालान भी कट गया। लेकिन इन सबके बीच एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो हमारे को एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी नागरिक, एक जागरूक नागरिक होने के नाते खुद तो वो चीजें फॉलो करनी चाहिए, ये एक एस्पेक्ट है इस पूरी स्टोरी, इसका एक एंगल है। और दूसरा ये जो लड़की वाला एंगल है, चाहे आप बात कर लीजिए ऑड एंड इवन से एग्जेम्पशन पाने की, चाहे आप बात कर लीजिए कि मैं आपको पार्किंग में लगा दीजिए लेडीज फर्स्ट या क्यू तोड़ने की बात हो, तो हम क्यों इस चीज का नया बिल्कुल ये करते रहते कि लड़की है लड़की। जैसे कि अभी एक केस भी आया था अमिटी यूनिवर्सिटी में, जिसमें उस लड़की ने बोला कि इस लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी से बात करी है, जिस पर उसने जो है उस लड़के को पिटवा भी दिया था, लेकिन हालांकि वो अपनी गलती नहीं मान रही थी फिर भी, जबकि गलती उस लड़की की ही थी। सोशल मीडिया पर उसे काफी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उस केस से आप क्रिटिसिज्म हुआ ठीक है सब कुछ हुआ, लेकिन उस लड़के के को चोट काफी गहरी चोटें आई, और फिर एक जो मेंटल ट्रॉमा होता है उस चीज से निकलने का वो भी उसके साथ फॉलो करता है। तो क्या हम फेमिनिज्म को गलत तरीके से लेके जा रहे हैं? फेमिनिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लड़कों को किसी तरह से नीचा दिखाएं, या फिर हम अपनी लड़की के विक्टिम कार्ड जो है कि हम लड़की हैं तो हमें ये चीज करनी चाहिए। अगर हम बात करें जेंडर पे गैप की, हम वहां पर चाहते हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली जाए, हमें इक्वल पे किया जाए, अगर हम हर जगह मेन से इक्वालिटी मांग रहे हैं, तो क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी समझें? बिल्कुल, और चाहे वो मेट्रो ही हो या कहीं भी, जब भी लाइन लगती है तो हम हमेशा आगे आके कहते हैं कि नहीं हमें लगने दीजिए लेडीज फर्स्ट, ऐसा नहीं है, बात इक्वालिटी की बात हो रही है, तो आप भी उनके साथ जो है वो करिए, उनके साथ ही रहिए खड़े, आप भी जैसे वो इतनी लंबी लाइन में खड़े हैं आप भी खड़े रहिए थोड़ी देर। अगर हम कुछ दिन पीछे ले जाए तो अब वैसे भी गर्मा दिल्ली में माहौल वैसे भी गर्म हो जाएगा, अब बिल्कुल चुनाव आने वाला है विधानसभा के जो कि फरवरी 2020 में होंगे, ऐसे में थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने ये अनाउंस किया था कि विमेन के लिए दिल्ली मेट्रो में और बसों में ट्रैवल जो है फ्री कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर भी एक बात उठ के आती है, हाँ बहुत सारे लोगों ने इसको वेलकम चेंज कहा, बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन
सबसे ऊपर इम्पोर्टेंट बात है कि हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे, अगर आप हमारे दर्शकों के पास कोई राय है तो हमें दे सकते हैं कि क्या सही है हर जगह ये विक्टिम कार्ड लेकर आना कि हम लड़की है तो हमें ये करना है, हमें लड़की है तो वो करना है। कश्मीरी गेट में आखिर हुआ क्या था यहाँ, और मतलब वो जा रही थी उनको ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोका, और कुछ हमें बताइए। उसके साथ ये भी हुआ कि उस लड़की ने जो है अपना हेलमेट फेंक दिया, ऊपर से वो उनको बोली जा रही है कि नहीं मैं सुसाइड कर लूंगी, आप ऐसे नहीं कर सकते, मैं अपने घर पे फोन कर रही हूँ, क्योंकि उसे डर था कि उसका चलान कट रहा है, उसे पैसे ना देना पड़े, एक चीज़ वो भी थी कि उसे पैसे ना देना पड़े, इसलिए वो जो है इतना ड्रामा क्रिएट कर रही थी, उसने काफी भीड़ इकट्ठी कर ली ताकि जो है भीड़ भी उसका जो है साथ दे। बिल्कुल बिल्कुल, और हमेशा से ऐसा होता है कि हम अक्सर देखते हैं कि दिल्ली में की लड़ाई हो रही है तो भीड़ ऑब्वियसली बात है आई जाएगी, ऐसे में जो है ज्यादातर फिर क्या होता है लड़कों की गलती निकाल जाती है, जैसे कि वो ट्रैफिक पुलिस वाले ने हालांकि चालान जो है उसके उस पर नियम को देख तो ही काटा, लेकिन फिर भी उस लड़की ने गलती ये निकाली, आप मुझे मत रोकिए, मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है, उसने ये सारी भी बातें बोली, लेकिन ये चीज़ गलत है। जो चीज़ अभी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो निकाली गई है आपको उसको फॉलो करना चाहिए एज अ सिटीजन, ना कि उस चीज़ को आप जो है खराब करने पर लगे, क्योंकि अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो बाकी लोग भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे। दिल्ली को सुरक्षित बनाना हो या दिल्ली को आप ट्रैफिक रूल नियम जो है वो फॉलो करना है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम गवर्नमेंट का पूरा साथ दें। अगर कोई चीज़ लागू की जाती है और उसको एज अ सिटीजन हम खुद ही फॉलो नहीं करते हैं तो ये बात जो है वो गलत है, और खासतौर से वहाँ पे लड़की वाला जो विक्टिम कार्ड है वो लेकर आते हैं तो इससे जो है पूरी जो एक्टिविटी है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की वो खराब हो जाती है। एक केस ऐसा और भी आया था पारुल की, एक लड़की है वो अपने फ्रेंड के साथ जा रही थी बाइक पर, उसने क्या किया उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था उन्होंने भी, तो ऐसे में क्या हुआ कि उसके फ्रेंड ने और उसने बाइक से उतर के ट्रैफिक पुलिस वाले को मारना शुरू कर दिया क्योंकि उसने चलान कर दिया। यहाँ पे भी बात वही आ गई कि उन्होंने क्यों भाई मारा, बात तो उनके फायदे के लिए थी, आप हेलमेट नहीं लगाओगे ऑब्वियस सी बात है एक्सीडेंट होगा तो आपके सर पर चोट आएगी, तो ऐसा आपकी खुद की जिंदगी को खतरा है। और यार ऐसी बात नहीं कि ये पहली बार कोई ड्रामा हुआ है, दिल्ली में आए दिन ड्रामा होता रहता है, यहाँ पे हर इंसान की बैक है, यहाँ सबके चाचा विधायक है, तो वो जाकर जो है वो सरकार के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं और वो अपनी ध्वज जमाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें याद है जब चिराग दिल्ली में वो इंसिडेंट हुआ था जब बाइक चला दी गई थी, तो मैं आपको बताऊँ कि इससे पहले 2019 के जून में चिराग दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक लड़का शराब पिए हुए था और उसने शराब के नशे में खुद ही अपनी बाइक चला दी और उसके बाद बहुत ज्यादा ड्रामा किया। तो ऐसे में जब सड़कों पे ड्रामा हो रहा है, हम खुद ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं और दिल्ली में इस चीज़ को लेकर कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है पावर, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हम सभी को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए बिल्कुल भी। और ऐसे में स्पेशली औरतों को ये चीज़ बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए कि हाँ हम मतलब मुझे डर लग रहा है, अपना मतलब एक तरह से औरत होने का फ़ायदा उठा रही है कि नहीं हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, हम कहीं पर भी जाके खड़े हो सकते हैं या कहीं पर भी पार्किंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आपको हक दिए गए हैं वैसे ही आदमियों को भी हक दिए गए हैं। और अभी जब तुम बात करते तो उस दौरान एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई जब तुमने कहा कि लोग भर्ते हो जाते हैं और भीड़ जो है वो तमाशा देखती है, लेकिन एक बात बताओ हमारे ये तो ज्यादातर हर जगह होता है, अगर हम दिल्ली की खासतौर से बात करें तो लोग इकट्ठे तो हो जाते हैं लेकिन कहीं पे अगर कोई बात हो रही होती तो कोई आवाज़ नहीं उठाता, तो ये कितना जरूरी है कि हम आवाज़ उठाएं। देखो ये तो सच है कि भीड़ इकट्ठी हो जाती है पर कोई कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि यार हमें इनसे क्या मतलब, वो उन्हें खड़ा होना मंजूर है लेकिन हाँ उन्हें बोलना मंजूर है, चाहे उन्हें कितना भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हो या फिर वो कहीं भी जा रहे हो लेकिन वो कुछ बोलेंगे नहीं। जैसे अभी हालांकि अभी हुआ था कुछ दिन नहीं महीने की बात हो गई, मेट्रो में एक लड़की ने सीट मांगी बट जो है वो बैठा हुआ था उसको भी उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसे में लड़की ने जो है वो जानबूझ के उसके ऊपर गिरने लग गई ये दिखाने के लिए कि हाँ मतलब मुझे वह इसने मुझे छेड़ा है, ऐसे में गलती लड़की की थी लेकिन उसने इतनी तेज चिल्ला के ये चीज़ उसे बोली कि उसने भीड़ इकट्ठी कर ली, ऐसे में लोग ऑब्वियसली बात यहाँ पर है ना कि भीड़ इकट्ठी तो हो गई फिर भीड़ में से कोई बोला नहीं, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ आपको लग रहा है कि उसे तो लड़की की गलती हो या किसी की भी गलती है, लड़की या लड़के की गलती है, क्योंकि वो लोग जरूरी है आवाज उठाएं। बिल्कुल वो अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं, उन्हें लगता है हमें इनसे क्या, भीड़ जो है उन दोनों की लड़ाई है हम क्यों घुसे आपस में, लेकिन ये चीज गलत है, उन्हें भी वहाँ आके बोलना चाहिए। तो बेहतर अगर हम एक बेहतर सोसाइटी की बात करते हैं तब ये बहुत जरूरी है कि हम लोग आवाज उठाएं और साथ में ये भी जाने कि किसके कौन से राइट्स हैं। जब बात आज का लाइव सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यही था कि जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, हम लड़कियों की बात करते हैं, हम विमेन फॉर विमेन की बात करते हैं, तो हम विमेन को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, वन वन न्यूज़ बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि अगर आपके साथ कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, लेकिन हम इस चीज़ को बिल्कुल कंडेम करते हैं कि अगर आप अपने राइट्स को गलत चीज़ों के लिए यूज़ करती हैं तो वो गलत बात है। एज अ सिटीजन
नागरिक आपका हक बनता है कि अगर आपका चालान काटा जा रहा है जो कि आपकी खुद की सेफ्टी के लिए, आपकी खुद की जिंदगी के लिए है, या तो फिर आप हेलमेट लगा के घर से निकलिए, या फिर जो भी एक्ट वहाँ पे बनाए गए हैं, जो भी रूल्स बनाए गए हैं उन चीज को फॉलो करिए, तो आपका चालान नहीं कटेगा। तो इट्स बेटर कि आप उस चीज को अच्छे से एक बार मोटर व्हीकल एक्ट को पढ़िए और उस चीज को फॉलो करिए कि क्या क्या रूल्स दिए गए हैं। और मेरे हिसाब से ये भी है कि दिल्ली जो कि दिल वालों की मानी जाती थी हमेशा से, उसको प्लीज ड्रामेबाजी में ना तब्दील करें, क्योंकि दिल्ली में आए दिन कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, चाहे हम सेफ्टी की इश्यूज की बात कर लें, चाहे हम रोड एक्सीडेंट्स की बात कर लें, दिल्ली में ड्राइविंग की बात कर लें, अग्रेशन की बात कर लें, तो दिल्ली सबसे आगे होता है। तो दिल्ली दिल वालों की मानी जाती है, ये ड्रामेबाजों की कब से बन गई, ये कुछ जो तत्व है वो खराब करते हैं। और एक चीज और, जैसे कि ये वीडियो वायरल होती रहती है, ऐसे में बाहर की कंट्रीज पे भी जो है इंडिया का बुरा जो है इमेज बन के आता है, कि जैसे बाहर की कंट्रीज में देखते हैं काफी जैसे एक्ट को लेके, व्हीकल एक्ट को लेके काफी सारे रेगुलेशन है जो वो लोग अच्छे से जो है फॉलो भी करते हैं, लेकिन इंडिया में ये चीज हम देख रहे हैं, अभी ये स्टार्ट हुआ है 2019 से, लेकिन फिर भी लोग फॉलो नहीं कर रहे। इससे बाहर के लोग तो यही समझेंगे कि दिल्ली वालों को जो है कुछ समझ में नहीं आता, वो लोग आए दिन एक्सीडेंट इन्हीं की वजह से होता है। और यार इससे जुड़ी एक मेरी खुद की पर्सनल भी रहती है, क्योंकि एज अ वुमन मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं अपने आसपास देखूं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हम इस फील्ड से भी आते हैं, पत्रकारिता फील्ड से भी आते हैं, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं कितनी ऑब्जर्वेंट हूँ। तो मैं मेट्रो से ट्रैवल करती हूँ, मैं रेगुलर कम्यूटर, जब मैं ब्लू लाइन से ट्रैवल कर रही थी, कई बार जो हम क्यूज में लग रहे होते हैं तो लड़कियाँ सबसे ज्यादा क्यू तोड़ती हैं, ये मेरे खुद की एक्सपीरियंस है, मैं खुद देखती हूँ कि सबसे ज्यादा क्यू तोड़ रही है। अगर आपकी चेकिंग हो रही है या तो घर से जल्दी निकलिए, अगर CISF वाले चेकिंग कर रहे हैं तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उनके साथ कोऑपरेट करें। तो चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो, चाहे वो CISF के साथ मदद करने की बात हो, अपने आसपास सफाई रखने की बात हो, या फिर कोई ऐसा मुद्दा जैसा कि MET वाला संगीन मुद्दा हुआ, जहाँ पर आवाज उठाने की जरूरत है, जहाँ जागरूक रहने की जरूरत है, और जहाँ इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझें कि एज अ फीमेल, एज अ वुमन, हम लोगों का ये राइट नहीं है कि हम अपने राइट्स को मिसयूज करें, उसको सही तरीके से यूज करें और सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाएं। अगर सरकार ने आपको कुछ हक दिए हैं तो उसे सही तरीके से फॉलो करें, ना कि उसे गलत डायरेक्शन में। आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि हम अगला फेसबुक लाइव अगर आप चाहते हैं तो हम आपके दिए हुए टॉपिक्स पे भी कर सकते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आप हमें info@11news.com पर लिखकर भेज सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो YouTube पर अवेलेबल है, उसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।